देखिए नासिर जी, पहले तो आपका धन्यवाद जो आप इधर आए। तो आज हमारी मीटिंग्स थी, तो हमारी बहनें जो नंबर्स इधर हैं, तो इन्होंने नंबर सभी नंबरों ने एक ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनिशिएटिव हुआ है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल आप देखिए कि आए दिन हर लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है उधर, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, अगर पेट भी दर्द है तो मेरे को लगता है उसको भी रेफर कर देते वो डोडा के लिए। तो ये छोटी छोटी भी प्रॉब्लम है उनसे सालों नहीं हो पाती है। तो डॉक्टरों की कमियां बहुत इधर, डॉक्टर आज तक हमें भी, अभी हमारी भी एज भी अब 45 साल होगी, तो मैंने नहीं देखा कभी हस्पताल भदरवा के कोई सुधार हुआ इनमें। तो मेरी यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो भी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व किया जाए। तो आए दिन इधर डेली कम से कम ये, कभी किसी को अवेलेबल गाड़ी नहीं होती, अगर जिसके पास गाड़ी नहीं हो वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा बेचारा गरीब आदमी। तो अगर हॉस्पिटल जाकर भी, अगर चलो हॉस्पिटल 2 मिनट के लिए अगर वो किराया खर्च भी लेता है, तो अगर फैसिलिटी ना मिले तो फिर उसको, फिर अगर उधर से, तो फिर तो मेरे को नहीं लगता फिर वो, तो इसलिए ऋषि साहब ने भी बोला, हम मैं भी यही बोल रही हूँ। इसी बात पे मेरा भी यही है कि हमें डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। अगर हमें 30 किलोमीटर सारे डॉक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं तो हमें यहाँ के पे क्यों नहीं मिल सकते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं कि हमें हर डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे इमरजेंसी होती है, डेथ भी हो सकती है, लेकिन हमें 30 किलोमीटर बाद जाना पड़ता है, वहां पे डॉक्टर्स होते हैं। भद्रवाह में कोई डॉक्टर्स अवेलेबल है ही नहीं, इवन कि इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। ये तो एक बहुत महान मुद्दा है, इस पर बहुत बार इस पर डिस्कशन हुई है, काफी एनजीओ ने इस बारे में बात की है, लेकिन अब हम सारे मेंबरान इस बारे में बोलते हैं कि हम स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन इसके लिए लिख रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स यहाँ पे चाहिए, बहुत जरूरी है। हमें हर डिपार्टमेंट, अगर यहाँ पे करोड़ों रुपया इस बिल्डिंग पे खर्च हुआ है, ये जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, वो किस लिए? वो तो फ्रेश है, वहां पे जब काम ही नहीं होता है वो तो बिल्कुल फ्रेश है। जब डॉक्टर्स ही नहीं है, जब वहां पे पेशेंट्स का कोई काम ही नहीं होगा, तो वहां डॉक्टर्स क्या बैठेंगे? तो कैसे काम चलेगा वहां पे? तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर, चलो उनकी कोई पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, अगर वो छुट्टी पे जाते भी हैं, तो लेकिन उनके बदले अल्टरनेट्स यहाँ पे होने चाहिए और हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए। यहाँ पे तो किसी डिपार्टमेंट एक गायनी डॉक्टर है, वो भी छुट्टी पे है, उसके अल्टरनेट वहाँ उसका अल्टरनेट यहाँ पे कोई है ही नहीं। अगर हमें 30 किलोमीटर सारे डॉक्टर्स मिलते हैं तो हमें यहाँ पे डॉक्टर्स क्यों नहीं है? हमारी ये बहुत एक स्ट्रिक्ट है, एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी यहाँ पे डॉक्टर्स चाहिए। यहाँ की जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो डॉक्टर्स की कमी की वजह से वो बेकार है। नहीं, ये जो अभी साइमा जी ने मतलब कि एक एक किस्म की कंप्लेंट में बोल सकती है, तो सच में ये बहुत कमी है यहाँ। एक तो स्टाफ नहीं है डिपार्टमेंट में, तो दूसरी ये बात है जो ये जो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी ये जो मांग है सब मेंबर्स की है, तो ये पूरी किया जाए। हाँ, अदरवाइज आप देखा जाए तो ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं कि टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ब्यूटी तब हमारी इस भद्रवाह की दिखेगी। सबसे पहले मेन बात यह है कि इंसान को बचाया जाए, छोटी छोटी मामूली बातों के लिए। जब हम यहाँ से एक लेबर का काम जो करता है 10-20 रुपए मतलब कि किराया दे के वो हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल पहुंच के उसे वही बोला जाता है कि आपको रेफर किया जा रहा है डोडा के लिए, तो वो वहां से डोडा क्या करेगा, कैसे वो मैनेज कर पाएगा? लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े ये लीडर्स हैं, जो बाकी भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब यहाँ टूरिज्म होना चाहिए, पिकनिक स्पॉट बनाए जा रहे हैं। पिकनिक स्पॉट को छोड़ के अगर हम डॉक्टर्स की तरफ ये जो एक टीम अच्छी सी लाई जाए, आप देखा जाए कि हॉस्पिटल इतना बड़ा बना हुआ है, मशीन्स वहाँ अवेलेबल है, सारी मशीन्स है, लेकिन अभी तक वो यूटिलाइज नहीं की गई, अंदर स्टॉक पड़ा हुआ। मुझे लगता है जब तक ना उसे रस्ट लग जाएगा, तब फिर बाद में वो मशीन्स निकाली जाएंगी। मामूली से मामूली ट्रीटमेंट भी डोडा में हो रही है, किश्तवाड़ में जा रहे हैं सारे पेशेंट। तो मैं आपसे, एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज हमारी जो ये इस बात पे गौर किया जाए। आज हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आज रखा यहाँ पे, उसका मेन जो हमारी जो डिमांड है हमारे डीसी साहब से, वो डिमांड यही है इस हॉस्पिटल को लेके कि यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बिल्डिंग बना दी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स भी तो होने चाहिए। देखिए, जैसे हमारे बाकी मेंबर्स ने कहा कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें डोडा या किश्तवाड़ के लिए जाना पड़ता है। मानिए एग्जाम्पल, जैसे किसी को अगर पेट दर्द हो जाता है, उसके लिए बंदे को किश्तवाड़ के लिए जाना पड़ता है, और हर बंदे के पास तो गाड़ी अवेलेबल तो होती नहीं है, हर बंदा एक जैसा तो है नहीं है। तो डीसी साहब से मेरी यही डिमांड रहेगी कि आप प्लीज ये टूरिज्म, ये टूरिस्ट को छोड़ के हॉस्पिटल की तरफ ध्यान पहला दो, कदम ताकि हॉस्पिटल। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, अगर उन्हीं को कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो वो कहाँ जाएगा?
तो इससे ज़्यादा बेसिक क्या हो सकती है फिर भद्रवाह के अंदर। इसलिए ये ड्यूटी ऑफ ये सारी चीज़ें छोड़ के आप प्लीज़ डॉक्टर के लिए सोचिए ज़रा। जैसे कि डोडा में काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, आप उन्हें भी यहाँ पे डेपुटेशन के लिए यहाँ पे भी भेज सकते। आज की हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं, ये इसलिए दे रहे जा रहे हैं हम कि जैसे हमारे बाकी साथियों ने जितने भी मेंबर हजरात यहाँ पे थे, इन्होंने भी इसी एक चीज़ एक ही हमारा इशू जो है वो एक ही है, हॉस्पिटल का मसला है। यहाँ हॉस्पिटल का मसला हमारे डीसी साहब बखुद ही जानते हैं, वो हमारे हर जगह के वाकिफ हैं, चाहे वो थनाला है, चिंता है, कहाँ कहाँ से लोग, और वो लोग यहाँ पे हैं कि जो गरीब तबका है, जो कहीं मतलब घर से किसी पेशेंट को उठाकर, फिलहाल तो यहाँ हमें रोड की भी कमियां हैं, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ रोड नहीं है, तो वहां से उठाकर वो उम्मीद ये करते हैं कि हम हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाएं और ये बच जाए। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, सर्जन नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे हमारी कम से कम 15-20 पोस्टें जो है खाली पड़ी हैं, और कितने टाइम से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम इस गरीब आवाम, भद्रवाह की गरीब आवाम का भी सोचें। अगर हॉस्पिटल इतना बड़ा बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चलो ज्यादा मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एलजी साहब से भी और खासकर अपने डीसी साहब, जो कि एक महीने में कम से कम 10 विजिट इधर करते हैं और उन्होंने खुद ही देखा है यहाँ के जो गरीब लोग हैं क्या हालत है उनकी, क्या वो यहाँ से डोडा जा सकते हैं, यहाँ से डोडा पहुंचने में उनको कितना टाइम लगता है, उनके पास किराया नहीं होता। लिहाजा मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे डॉक्टर का जो भी स्टाफ है वो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। यहाँ जो भद्रवाह हॉस्टल की बात है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, रोजाना यहाँ पर हॉस्टल में प्रोटेस्ट होते रहते हैं यहाँ डॉक्टरों की कमी की वजह से। तो गवर्नमेंट इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई दफा हम काउंसलर साहब, हमारे सभी काउंसलर साहिबान ने पहले भी इसमें जोर दिया कि यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाए, यहाँ पर हर किस्म की मशीनरी जो है मौजूद है हॉस्पिटल में, लेकिन उनको चलाएगा कौन? उनको चलाने वाला है ही नहीं कोई। जब भी कोई बीमार यहाँ से वहाँ पहुँचता है, इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उसको देते हैं, वो भी मार्केट से लाना पड़ता है, तो रेफर डोडा। तो डोडे की ये हालत है, डोडे में काफ़ी डॉक्टर हैं, तो यहाँ क्या डॉक्टर नहीं आ सकते हैं? लिहाजा हम गवर्नर साहब और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, वो जाती तौर पर यहाँ पर देखें, भद्रवाह की हालत देखें कि भद्रवाह में जो गरीब लोग बसते हैं, अमीर भी बसते हैं, बीमार तो हर एक ने होना, यहाँ टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट बीमार हो जाएगा वो तो यहाँ से डोडे पहुँचते हैं या जम्मू पहुँचते पहुँचते वो तो रास्ते में उसकी डेथ हो सकती है। ये जिम्मेवारी बनती है, ये डीसी साहब की जिम्मेवारी बनती है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी काउंसलर इस बारे में वो जाती तौर पर दखल दें, और यहाँ का जो एक मेन मुद्दा है डॉक्टरों की कमी, उसको पूरी करें।